आपका भाई न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज, आज सुबह का टाइम हमारी भाभी की तबीयत ख़राब था, आए हैं एक लाख डॉक्टर के पास सुई लगवाने के लिए, और डॉक्टर साहब जो है सुई लगा रहे हैं भाभी के लिए आज सुबह सुबह का वक्त है, और डॉक्टर साहब के अंदर आए हैं भी का क्लिनिक है। दवा दे चुके हैं, बहुत अच्छा है, सूट करता है, एक लाख डॉक्टर पैसा भी कम लेते हैं, और हम घर आ चुके अपने भाभी को लेकर। तो फ्रेंड्स, हमारी भाभी की भी तबीयत खराब हो गई थी और हमारे भतीजे का भी तबीयत ख़राब हो गया था, और अपने भतीजे को लेकर जा रहे हैं समीम डॉक्टर के पास दवा के लिए। मौलाना रोड जा रहे हैं, मौलाना रोड में पड़ता है समीम डॉक्टर का। फ्रेंड्स, हमारा भतीजा रात भर पर सोया नहीं है, और उसके सारे सर में दर्द था, बहुत रात भर किसी को सोने नहीं दिया, बहुत परेशान किया, और उल्टी भी हो गई दो तीन बार। घर के लोग काफ़ी लोग परेशान हैं, इसकी वजह से लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी फ़िलहाल थोड़ा 10 कदम की दूरी पर है समीम डॉक्टर का, और देखिए ये मौलाना रोड का रास्ता, और फिलहाल जा चुके ये सब दुकानदार भाई है सब यहाँ की, और समीम डॉक्टर की दुकान आने वाली है, और समीम डॉक्टर की दुकान पर हम आ चुके हैं, जा रहे हैं अंदर। तो पेरेंट्स अपने भतीजों को लेकर आए, दिखाए डॉक्टर साहब को, और अभी फ़िलहाल दिखाएंगे, अभी बाद में इंजेक्शन लगने वाले, इंजेक्शन लगवाएंगे, भाप नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब बोले हैं। उमम फिर देखो, अभी जाएंगे तो लगाएंगे सुई। ये हमारे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तमिल डॉक्टर। डॉक्टर साहब अभी मरीजों को देख रहे हैं, अभी सुई दवा बाहर भेजते हैं, तो उनका कंपाउंडर लगाएगा, हम आए थोड़ा बाहर टहलने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे समीम डॉक्टर जो हैं अच्छा दवा देते हैं, और कम रेट में ही देते हैं, और मरीजों को ज़्यादातर से बेहतर उनको सूट भी करता है उनकी दवा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, और पैसे भी उचित लेते हैं। डॉक्टर क्लिनिक अंदर चल के दिखाते हैं डॉक्टर। और हम बाहर दिखाते हैं आप लोग को, और ये जाता है भगत सिंह चौराहा होते हुए निकलेगा ये रास्ता, अंसार बैटरी की दुकान इधर ही पड़ता है। फ्रेंड्स, हमने दवा ले लिया है, ये हमारे भतीजे का, और हम जा रहे हैं घर, घर जाएंगे, उसके बाद से दुकान जाना है हमको, और पैसा मांगे 600 रुपये हमको देना पड़ा। फिलहाल फिर भी कोई ख़ास नहीं है, दवा दी अच्छा, अरे बच्चे को आराम मिले वही बहुत है, और क्या, यही ना चाहिए, डॉक्टर अच्छी दवा दे, ऐसे सारी पूरी दवा पड़ी हुई है ये समीम डॉक्टर का। और फिलहाल हम जाएंगे घर और नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करके दुकान जाना है हमको। छोटा भाई लिया हुआ है भतीजे को, लेकर जा रहा है, साथ ही में आया था हमारा भाई। फ्रेंड्स, देखिए पुरानी मस्जिद की बात ही कुछ अलग है, फिर आने पर एकदम सुहाना मौसम, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, बचपन की याद आने लगती है, क्योंकि हम लोग बचपन में इधर खेलते कूदते थे, आते थे खेलने के लिए, आज भी पुरानी यादगार है, लेकिन फिर भी पुरानी मस्जिद के अंदर सफाई बहुत काफ़ी है, बहुत अच्छी जगह है, और अच्छा माहौल भी इधर है, नमाज़ पढ़ने वाले की तादाद बहुत काफ़ी है, बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, और इधर के बच्चे जो होते हैं फालतू नहीं होते हैं, सब अपना खेलते रहते हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान, काम पे ध्यान, ज़्यादा से पब्लिक लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, फालतू काम कोई नहीं करता है।
हमारे छोटे भाई लिए भतीजे को, उसके हाथ में दर्द भी हो जाएगा काफ़ी। हम बोले हैं कि हमें दे दो, भतीजे को गोद में लेके जा रहा है अकेले और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत से पब्लिक देखती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम लेके पुराई मेरी तरफ जा रहे हैं। अभी मथुरा को मजा रहे, जागता पी रहे, बहुत मशहूर मजा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी भाभी और अपने भतीजों को दवा दिला चुके हैं। दोनों लोग दवा खाएं, फ़िलहाल आराम है, सही हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोग को अपने भतीजे का डॉक्टर के पास लेकर गए थे और वहाँ के डॉक्टर साहब परमिशन नहीं दिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाए और आप लोग को हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि वो केबिन में थे, केबिन में हम दिखा नहीं पाए। बाकी जो सुई लगा और जो भी ड्रेसिंग फेसिंग जो भी हुआ है कंपाउंडर ने किया है, और परमिशन नहीं मिला वहाँ पर वीडियो शूट करके दिखाएं आप लोग को। और परमिशन मिली होती ताकि हम आप लोग को वीडियो शूट किए होते, शूट करके दिखाए होते। और फ्रेंड्स, जो है कि पब्लिक प्लेस में जो है वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत होती है। नए नए में थोड़ा है अभी फ़िलहाल दिक्कत होती है, थोड़ा अजीब सा लगता है। बहुत से लोग टोकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हम बना रहे हैं, किससे हम बातें कर रहे हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि पागल है ये वो, तरह तरह की बात सोचते हैं। और हमारा काम है फ्रेंड्स ब्लॉगिंग बनाना, और ब्लॉग को शूट करके हम पब्लिक प्लेस के बीच में ही हम वीडियो शूट करते हैं। अब धीरे धीरे शूट कर रहे हैं, आदत हो जाएगी, हम शूट करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर अगली वीडियो मिलेंगे।